हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आइए डिस्कस कर लेते हैं आज की न्यूज़। आज है 14 दिसंबर। तो देखिए आज की न्यूज़ की शुरुआत करते हैं स्पोर्ट्स से। तो कल देखिए रोहित शर्मा ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। 208 रनों की उन्होंने पारी खेली 153 बॉलों पे, और इसी की वजह से इंडिया ने ये मैच भी जीत लिया है। 141 रनों से करारी शिकस्त दी है श्रीलंका को। मोहाली में मैच हो रहा था ये, और देखिए रोहित शर्मा का ये तीसरा जो है ये दोहरा शतक है। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स न्यूज़ थी। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। देखिए अगली न्यूज़ जो है, गवर्नमेंट ने फिर जो आधार की जो डेट थी 31 दिसंबर उसको एक्सटेंड कर दिया है 31 मार्च 2018 तक। तो बैंक अकाउंट की जो डेट थी आप जो लिंकिंग की उसको बढ़ा दिया गया 31 मार्च 2018। यानी कि अब जो आपको बार बार जो परेशान किया जा रहा था कि आप अपना बैंक अकाउंट आधार से लिंक करवाएं, वो अब 31 मार्च तक आप करवा सकते हैं। राइट, इसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसीज़ और जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनकी भी डेट 31 मार्च 2018 ही कर दी गई है। ठीक है ना, तो आप याद रखें। तो इसमें ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को अब पीएमएलए जो रूल है उसको अमेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। पीएमएलए क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, तो उसमें भी ये मेंशन था ना 31 दिसंबर। तो ये कह रहे हैं कि अब इस चूंकि अब ये डेट एक्सटेंड हो गई है तो उसके अकॉर्डिंग अब इसको इसको अवेट करना पड़ेगा। और इस पे देखिए इस आधार से रिलेटेड जो हियरिंग होनी थी वो कल से नहीं, सॉरी आज से ही वो शुरू होगी। 14 दिसंबर से इसकी हियरिंग शुरू हो रही है। ठीक है ना, तो थोड़ी सी राहत आप लोगों को मिल सकती है। अब टाइम मिल गया अच्छा खासा 31 मार्च तक। राइट, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। एक ट्रिब्यूनल का आर्डर था कि गवर्नमेंट अब यूनिटेक को टेक ओवर कर सकती है, तो उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। राइट, और एक न्यूज़ यूपी से जो आ रही है ये है, इसमें यूपी जो है अब क्राइम पे थोड़ी सी सख्त होने जा रही है। और जैसे महाराष्ट्र में पहले मकोका हुआ करता था उसी की तर्ज पे इंडिया यूपी में अब यूपी कोका लाने की बात कर रही है। ठीक है, कल ये मीटिंग में चीफ मिनिस्टर ने वहाँ के फैसला लिया है कि अब यहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको अब यूपी कोका जो है इसके तहत उनको डील किया जाएगा। ठीक है ना, तो यूपी कोका का मतलब है उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एक्ट 2017। राइट, ये देखिए इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को नोटिस दिया है क्योंकि अभी गुजरात में इलेक्शन हो रहे हैं और उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, टीवी इंटरव्यू दिया है। ठीक है, तो एक तरीके से ये पीपल्स ऑफ रिपब्लिक जो एक्ट है उसका वायलेशन है। ठीक है ना, ये करेगी प्राइमा फेसी ये वायलेशन है सेक्शन 126(1)(b) का। राइट, तो पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है, जो हमारे 10th शेड्यूल मेंशन है, उसका एक तरीके से ये वायलेशन है। ठीक है ना, तो ये याद रखें पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट। और ये देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गवर्नमेंट से कि आप एयर पोल्यूशन पे एक मैपिंग कीजिए और पूरी तरीके से उस पर प्लान बनाने की बात की। ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफाई किया है और सेंटर को, और उन्होंने कहा है कि ज़रूरत इस बात की है कि आप क्या करें, एक एक्शन प्लान बनाएं मैपिंग द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है ना, तो एक एयर प्लान और उसमें क्या हो, एयर पोल्यूशन के जो सोर्सेज है उनकी मैपिंग कीजिए। ठीक है ना, तो और ये कह रहे हैं कि इन्होंने 2 वीक का टाइम भी दिया है टू फाइनलाइज द टाइम लाइन फॉर ईच एक्शन पॉइंट इन द प्लान विथ एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी। ठीक है ना, तो ईपीसीए से इन्होंने ये कहा है कि आप इनके साथ मिल के इसको जल्दी फाइनलाइज कीजिए। राइट, और अगली न्यूज़ ये देखिए, ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, ये ट्रिग्नोमेट्री टावर्स स्टैंड टाल है। तो ये सारे करीब 50 टावर है और ये पाए गए हैं, मतलब ये है इस वक्त कोलकाता में। तो ये कह रहे हैं कि इसका यूज़ जो है, पहले लोग जियोग्राफर्स इसका यूज़ करते थे। राइट, जियोग्राफर्स और आर्कियोलॉजिस्ट जो है इसका यूज़ करते थे, और कह रहे हैं कि इसका यूज़ होता था टू एम डेट मेजरिंग द एंटायर टेरेन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है ना, द टेरेन की स्टडी करने में, इसके अलावा ग्रेट हिमालयन पीक्स इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट, तो इन सब की स्टडी में इसका यूज़ होता था। ठीक है ना, तो ये ऐसे देखिए ब्रिक्स से बने हुए ये है, और ये कह रहे हैं कि 19th सेंचुरी सर्वे ऑफ एन कन्फ्यूज ऑफ द चर्चेज अवेट रिस्टोरेशन। तो ये मतलब ये पहले ही समझा जाता था कि ये चर्च है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहते थे ये इसका यूज़ होता था ट्रेन और हिमालयन की जो पीक्स है उनकी स्टडी में। राइट, तो ये देखिए इनका नाम है, ये कह रहे कि ये ग्रेट टिग्नोमेटिकल सर्वे। ठीक है ना, तो ये जो जीटीएस थे कह रहे थे कि 19th सेंचुरी में इसका यूज़ होता था,
इन सब की स्टडी के लिए, राइट। कह रहे कि बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं है, लेकिन अब इन्होंने, ज्योग्राफर्स ने इसका पता लगाया है। और कह रहे कि अब इसका रिस्टोरेशन किए जाने की बात करें, क्या इसका रिस्टोरेशन पॉसिबल है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसके रिस्टोरेशन का काम करेंगे ये, राइट। तो अगली न्यूज़, ये देखिए, यूपी गवर्नर ने कुंभ मेला जो इस बार हो रहा है 2019 में, उसका लोगो जारी किया। आप लोग को यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में इसको शामिल कर लिया, ठीक है ना। तो यूनेस्को की लिस्ट में अब कुंभ मेला भी शामिल हो गया है, राइट। तो ये बात आपको याद करनी होगी, ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट। और ये देखिए जो न्यूज़ है, इलेक्ट्रो, हमने काफ़ी डिस्कस किया था इसको, इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से, ये देखिए यहाँ पे एक हाथी आप लोग को, इसकी डेथ हो गई। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, दो तीन प्रॉब्लम्स इनको है, एक तो इलेक्ट्रोक्यूशन की और एक जो होता है रेलवे क्रॉसिंग की। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि 1,000 से ज़्यादा हाथी अब तक मर चुके हैं, और 2000 से, ठीक है ना। तो देखिए 70 साल में 1,000 से ज़्यादा ये इनको मौत का शिकार हो गए ये लोग। और हाँ, ये देखिए जो फिशरमैन थे, इस पे कुछ ओखी का जिन पे इम्पैक्ट पड़ा था, और ये लोग मिसिंग थे, तो कुछ बॉडीज़ मिली है, 9 बॉडीज़ रिकवर हुई है वहाँ से, ठीक है। तो ओखी ने बहुत सारी जान ले ली है। देखिए ये प्रसाद के चक्कर में ये जो हाथी होती है वो बंदीपुर टाइगर रिजर्व के पास, ये देखिए मंदिर है जो, तो ये अक्सर मंदिर के पास आ जाते हैं। तो यही कह रहे हैं कि ल्योर ऑफ प्रसादम ब्रिंग्स टस्कर टू टेम्पल, राइट। तो ऑफिशियल कह रहे हैं कि वरीड है कि उनको कैसे फोर्स किया जाए कि वो फिर से फॉरेस्ट में जाए, ठीक है ना। तो ये तो आइए देख लेते हैं बंदीपुर टाइगर रिजर्व, राइट। तो ये देखिए बंदीपुर टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें, तो पहले तो देख लें बंदीपुर टाइगर रिजर्व। देखिए बंदीपुर अब ये नेशनल पार्क हो गया है, तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 1974 में एज ए टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट टाइगर जब शुरू हुआ था 1970 में, तो उसमें इस वक्त इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है ना। और इसके अलावा इसमें जानने के लिए हमारे ये है, इसकी लोकेशन हम देखेंगे, और इसका जो एडज्वाइनिंग देखिए एरिया है, डागरहोल नेशनल पार्क, इसके अलावा मधुबलाई नेशनल पार्क और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, इसके आसपास ही है। इट्स अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, राइट। तो ये सब चीज़ें आप याद रख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें इनके आसपास ही है, ठीक है ना। तो आइए आप लोग को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए अभी हमने कहा ये वादी वादीपुर, ठीक है, और ये आपका डागरहोल, अभी आपने देखा ना डागरहोल बताया कि पास ही में ये डागरहोल, तो ये कर्नाटका में है, इसको याद रखिए आप। और दंदेली देखिए ये भी कर्नाटका में है, और इसके अलावा साइलेंट वैली है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क ये केरला में है, राइट। गुड्डी ये जो है ये तमिलनाडु में है, ठीक है, इतना आप याद रख सकते हैं, राइट। और ये बनेरघट्टा है, बनेरघट्टा की लोकेशन भी देख लिया, ये भी अक्सर आता है। तो ये थोड़ा सा हमने इसके बारे में देखा, राइट। और ये देखिए पास्को एक्ट, पास्को एक्ट किसके लिए होता है, पास्को एक्ट देखिए जुवेनाइल के लिए होता है, राइट। तो आप थोड़ा सा बस पास्को को याद रख सकते हैं, पास्को, पास्को का फुल फॉर्म क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है ना। 2012 का ये एक्ट है पास्को, 2012। और ये देखिए यूपी में कह रहे कि जो WHO की जो सेफ चाइल्ड बर्थ जो चेकलिस्ट है, उसकी वजह से वहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत फ़ायदा हुआ है, राइट। तो देखिए इन्होंने कह रहे कि जो आउटकम्स ऑफ द कोचिंग बेस्ड WHO सेफ चाइल्ड बर्थ जो चेकलिस्ट प्रोग्राम इंडिया में चलाया गया था, उसका कह रहे हैं कि काफ़ी इम्पेक्ट हुआ है। और चूंकि देखिए जब चाइल्ड बर्थ होता है तो 48 आवर जो होते हैं वो काफ़ी क्रूशियल होते हैं, और उसी में ज़्यादातर एक तरीके से ज़रूरत पड़ती है इंटरवेंशन की, कि उसमें अगर पूरी तरीके से वुमेन न्यू बर्न जो है उसमें ज़्यादातर रिस्क फेस करता है, और ज़्यादातर मौत जो होती है उसी वक्त होती है। तो उसी में, उसी से रिलेटेड सारी चेकलिस्ट थी, तो उसको जब यूज़ किया गया तो उसमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट इनको देखने को मिला है, ठीक है। तो पढ़ता हूँ मैं, देखिए ये लिख रहे हैं कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ऑक्सीटोसिन इमिडिएटली फॉलोइंग द चाइल्ड बर्थ टू प्रिवेंट मैटरनल हेमरेज वाज 80%, ठीक है ना। तो ये देखिए ये एक मतलब बता रहे हैं कैसे हुआ, ये ऑक्सीटोसिन का यूज़ किया जाता है जब चाइल्ड बर्थ जब होता है तो उसके बाद, ठीक है ना। तो इससे बहुत हैमरेज होता है, इंटरनल हैमरेज होता है, उसको रोका जाता है, ठीक है।
इसके अलावा वो कहते हैं कि इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, तो जब 70% इंटरवेंशन फैसिलिटी वर्सेस 4% इन द कंट्रोल फैसिलिटी, ठीक है। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग की भी कराई जाती है, ये भी शायद 48 आवर में कराई जा रही, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये सारी मतलब मेज़र लेके एक तरीके से कह रहे कि पहले क्या होता था कि एवरी डे मोर देन 800 वुमेन एंड 7,000 बेबीज डाई ड्यूरिंग द टाइम टाइम अराउंड द चाइल्ड बर्थ वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। तो ये यही मैंने कहा कि ये देखिए बहुत क्रुशियल पीरियड होता है चाइल्ड बर्थ वाला जो टाइम होता है, और इसमें कह रहे हैं कि 7,000 बेबी और डाई हो जाते हैं और 800 वुमेन मैटरनल डेथ जो होती है ये इतनी डेथ अक्सर पूरे वर्ल्ड वाइड होती है, राइट। तो ये कह रहे हैं कि इससे बहुत सारी जो डेथ होती है उसको बचाया जा सकता है इसका यूज़ करके, राइट। तो एक बहुत ही अच्छा इंटरवेंशन है ये WHO का। देखिए बिटकॉइन इस वक्त काफ़ी न्यूज़ में है, तो बिटकॉइन ट्रेडर्स पे इस वक्त IT जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो काफ़ी नज़र रखे हुए है, ठीक है ना। तो चूंकि इंडिया में ये अलाउड नहीं है, ये लीगलाइज नहीं है और इसके खिलाफ कोई लॉ भी नहीं है, तो इसलिए अभी IT डिपार्टमेंट थोड़ा सा सतर्क हो गया है, कुछ लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, राइट। और ये देखिए कोड़ा जो थे मधु कोड़ा, उनको फाइनली गिल्टी पाया गया है कोल स्कैम में, और इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं इनके साथ जो थे, जो चंद्रगुप्ता हो फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसके अलावा AK बासु, इन लोगों को भी इसमें स्कैम में दोषी करार दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट देखिए, INS कलावेरी को इंडक्ट करने का आज प्लान है, ठीक है ना। तो आज इंडक्ट हो जाएगा नेवी में INS कलावेरी। तो ये स्कॉर्पिन क्लास है, स्कॉर्पिन क्या होता है, ये कह रहे हैं कि स्कॉर्पिन जो होता है ये पावर्ड सबमरीन होता है, और इसका वेट जो होता है 1500 टन होता है, और ये 300 मीटर अंदर डेप्थ तक जा सकता है, ठीक है ना। और ये देखिए बनाया गया है ये DCNS के द्वारा, डेवल ग्रुप जो है DCNS ऑफ फ्रांस ने इसको बनाया हुआ है, ठीक है। और ये कह रहे कि इंडिया ने इसको 2005 में साइन किया था, और 3.7 बिलियन डील हुई थी, सिक्स सच सबमरीन टू बिल्ड बाई बजागांव डॉक लिमिटेड इन मुंबई, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और कलावेरी का जो के बारे में थोड़ी सी डिटेल दी हुई है, देखिए कलावेरी जो है इसकी जो वेट है ये 1600 टन है, इसके अलावा ये कैरी कर सकता है हैवी वेट वायर गाइडेड सरफेस एंड अंडर वाटर टारगेट टॉर्पीडोज, और सेल्फ डिफेंस के लिए इसमें मोबाइल एंटी टॉर्पीडो डिकोयज भी है इसमें, ठीक है। और इसका नाम देखिए कैसे रखा गया है कलावेरी, इसके बारे में लिख रहे हैं, कलावेरी बारोज इट्स नेम फ्रॉम इंडिया फर्स्ट सबमरीन INS कलावेरी विच वॉज कमीशन ऑन दिसंबर 8, 1967 एंड सर्व अप टू 1996। तो कलावेरी देखिए ये नाम इसलिए इन्होंने रखा है क्योंकि इंडिया का जो सबसे पहला सबमरीन था वो INS कलावेरी ही था, ठीक है ना, जो कि 1967 में हमने कमीशन किया था और 1996 तक वो उसने काम किया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने देखा, ये ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए ये में सक्षम है ये, और इसको आज इंडक्ट किया जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा लिख रहे हैं, कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन INS जो पिछले साल इंडक्ट किया गया था INS सिद्धू शास्त्रा, ठीक है। तो उसके बाद ये अब इसको इंडक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। वो जो INS सिद्धू शास्त्रा था वो रशिया से हमने खरीदा था, राइट। और ये देखिए काउ शेल्टर, ये कह रहे हैं कि SP गुप्ता जो है ये काउ शेल्टर के फाउंडर थे, उनको एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया, ठीक है ना। जो ये और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया किस में आता है, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट में आता है। तो आप ये बताइए हमें, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये स्टेचुटरी बॉडी है या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, थोड़ा ठीक है ना। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की थोड़ी सी डिटेल्स आप कमेंट बॉक्स में लिखे हैं, राइट। और ये कब बनाया गया था। इसके अलावा ये देखिए सेलिब्रिटी कैटलिस्ट फॉर चेंज विथ एन अवार्ड, देखिए बहुत सारे जो हमारे वहाँ लोग होते हैं, तो जो स्टार्टअप टाइप के लोग होते हैं जो स्टार्टअप शुरू करते हैं, या इसके अलावा वो भी बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया जैसे वर्गीस कुरियन थे, मोहम्मद यूनिस, इसके अलावा ट्रेविस कलंकिक थे, तो ये बहुत सारे इंडिविजुअल दिए थे। मतलब ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक तरीके से सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया, जैसे कुरियर जो थे इन्होंने मिल्क कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट ले आए, इसके अलावा जो यूरिस्ट थे इन्होंने
SHG जो आप लोगों को पता होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट लेके आया, ठीक है ना। तो ये ब्लैक किक जो थे इन्होंने उबेर का, तो इस टाइप से कह रहे हैं कि बहुत सारे और लोग भी हैं जिनको हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो ये देखिए यही ये कर रहे हैं कि अब कह रहे हैं चेंज मेकर अवार्ड्स ये देने जा रहे हैं ताकि ऐसे लोगों को कम से कम रिकॉग्नाइज किया जा सके, राइट। और ये एडिटोरियल थोड़ी देर में देखेंगे। और देखिए इंडिया पैसिफिक से रिलेटेड फिर ये तीन देशों इंडिया जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक कोलेबोरेशन मैरिटाइम सिक्योरिटी पे एक मीटिंग की है, ठीक है। तो इनका फाइनली यही है, ये कन्वर्जेंस, और इंडो पैसिफिक रीजन भी ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ओपन हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेड हो उसको बढ़ावा मिले, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोग को ये पता होना चाहिए एशियन इंडिया जो सबमिट है वो हो रही है इंडिया में 25 जनवरी को होगी। और ये 25 जनवरी को इसलिए हो रही है क्योंकि रिपब्लिक डे पे इंडिया ने 26 जनवरी को जो 10 एशियन नेशन के लीडर हैं उनको इनवाइट किया, ठीक है ना। तो 25 जनवरी को मीटिंग होगी, 26 जनवरी को ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे हमारी रिपब्लिक डे में। इसके अलावा देखिए एक पेटिशन जो थी आधार कार्ड से रिलेटेड, तो उसकी जो सुनवाई आज से शुरू हो रही है, ठीक है ना। ये हमने डिस्कस कर लिया वैसे न्यूज़। और इसके अलावा ये देखिए अमित शाह को अब चूंकि राज्यसभा के मेंबर वो चुन लिए गए थे, तो मतलब पहली बार वो राज्यसभा में विंटर सेशन में शामिल होंगे। इसके अलावा राहुल गांधी ने देखिए 33% जो रिजर्वेशन की डिमांड थी वुमेन की उसको एक बार फिर से उसके लिए आवाज़ उठाई है, ठीक है ना। तो ये कल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई थी कांग्रेस वुमेन विंग महिला कांग्रेस की, ठीक है ना। तो उसमें ये बोल रहे थे और इन्होंने ये बातें कही है। और ये इलेक्शन के रिलेटेड, हाँ देखिए पाकिस्तान ने फिर से काउंटर एक वो काउंटर दायर किया है, फाइल किया है आईसीजे में। तो कुलभूषण जाधव की जो डेथ सेंटेंस थी तो उसको एक तरीके से इन्होंने स्टे किया था, ठीक है ना। तो उस पर फिर इन्होंने काउंटर एक लगाया है और इन्होंने कहा है कि आईसीजे की चूंकि अभी मीटिंग हो रही है अप्रैल में शायद, एक सेकंड में देखता हूँ। हाँ देखिए इंडिया ने इस पे इनकी वहाँ पे चूंकि इनको डेथ सेंटेंस करार दी गई थी पाकिस्तान में ना, तो ये फिर आईसीजे में मामला आया था। तो आईसीजे में इंडिया ने इस पे स्टे ले लिया था, ठीक है ना। तो इस स्टे मिल गया था मतलब उनकी फांसी पे रोक लग गई थी, ठीक है। तो इस पे फिर इसकी अभी मीटिंग हो रही है अप्रैल में, अप्रैल में मतलब इस पे वो हो रहा है डिसीजन आना है। तो अभी फिर इन्होंने चूंकि ये स्टे मिल गया था तो इस स्टे के खिलाफ इन्होंने एक काउंटर दाखिल किया है, ठीक है ना। और ये देखिए जो मोदी ने क्लेम किया था कि एक जो सेक्रेट मीटिंग हुई थी तो उसको यहाँ पे पाकिस्तान से ये रिस्पॉन्स आया है, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ये बेसलेस आरोप है, ठीक है, इसका कोई बेसिस नहीं है। इसके अलावा ये जो एक और न्यूज़ है होल्ड बीट ऑन PCPNDT। PCPNDT क्या है देखिए हमने कल डिस्कस किया था, ये होता है प्री कॉन्सेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994। इसमें जेंडर का पता लगाया जाता है, ठीक है ना। बच्चे जो होते हैं तो उसमें वम में ही मतलब वो क्या बोलते हैं उसको डिलीवरी से पहले ही वो लोग अक्सर क्या करते हैं वो पता लगा लेते हैं कि वो लड़का है या लड़की है। तो इससे क्या होता है अक्सर जो लोग होते हैं वो फिर आप लोग को पता होगा कि कुछ लोग होते हैं कि वो एबॉर्ट करवा लेते हैं अगर लड़की होती है तो अक्सर। तो ये है, इस पर बैन है चूंकि इंडिया में ये एक लॉ है हमारे वहाँ PCPNDT। तो यही कह रहे हैं कि कुछ गूगल सर्च वगैरह कुछ ऐसी वेबसाइट है जो होस्ट करती है जो मतलब इस चीज़ों को एक तरीके से बढ़ावा देती है, ठीक है ना। तो उसी पे इन्होंने एक मीटिंग होल्ड की है, राइट, सॉरी होल्ड नहीं की है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गवर्नमेंट को ऑर्डर किया है कि आप मीटिंग होल्ड कीजिए उन सारे स्टेक होल्डर से जैसे सर्च इंजन गूगल हो गया, याहू हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, और फाइनलाइज कीजिए एक मैकेनिज्म टू एंश्योर दैट मटेरियल्स वायलेटिंग इंडियन लॉ प्रोहिबिशन, ये जो है प्रीनेटल सेक्स डिटरमाइनिंग आर नॉट होस्टेड ऑन वेबसाइट, ठीक है ना। तो मतलब कोई भी ऐसी चीज़ उनकी वेबसाइट पे अगर हो जो इस कानून का वायलेशन करती हो तो उसके लिए उसको हटाने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें एक मैकेनिज्म लाए गवर्नमेंट, समझ रहे क्या हुआ। देखिए PCPNDT एक्ट हमारे वहाँ एक लॉ है, इसमें क्या होता है प्री कॉन्सेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक जो होती है वो हमारे वहाँ एक तरीके से जेंडर का जो पता लगाया जाता है उसको रोकती है, ठीक है। तो उसमें ये उन्होंने कहा है कि कुछ वेबसाइट है जो कि उनके ऊपर वो ऐसे मटेरियल वो उनके वेबसाइट पे है जो कि इसका वायलेशन करती है। तो गवर्नमेंट से कहा है कि आप एक मीटिंग कीजिए और इस पे एक उनको कॉम्प्रिहेंसिव एक उनको मैकेनिज्म लाने की बात कीजिए ताकि हम इस एक्ट का जो वायलेशन है वो रोका जा सके, ठीक है ना।
इसके अलावा ये डोकलाम वाला ये जो कह रही है, सुषमा स्वराज कह रही है कि डोकलाम जो इशू था उसको रिजॉल्व कर लिया गया और ये सेटिस्फेक्शन फॉर ऑल है, राइट। और ये हमने डिस्कस की थी कल अलबामा में जो इलेक्शन हो रहा था, तो उसमें देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप जिनको सपोर्ट कर रहे थे वो रॉय मूर वो हार गए, ठीक है ना। और ये जोन्स डुक जोन्स जीत गए, 49.9% रिकॉर्ड मिला, इनको 48.8% मिला है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इसके अलावा ये देखिए थेरेसा वहाँ पे रिबेल फेस कर रही है ब्रेक्जिट बिल पे, ठीक है ना। वहाँ पे कुछ एमपीज जो है उनका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए एच वन वीज़ा जो होल्डर है वो कह रहे हैं कि एक से ज़्यादा जो है वो फॉर्म्स में काम कर सकते हैं उसी एक ही वीज़ा पे, राइट। WTO की जो मीटिंग हो रही है देखिए उसमें फिश फूड सिक्योरिटी का जो इशू है वो अभी तक सुलझ नहीं पाया है, राइट। और फूड सिक्योरिटी वाला इशू है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे वहाँ करीब 60 करोड़ जो जनता है वो इस पे एक हमारे जो प्रोग्राम है क्या है PDS का उस पर डिपेंडेंट है, राइट। तो ये सारा चल रहा है। तो इसमें देखिए एक पीस क्लॉज है, पीस क्लॉज क्या करता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये रोक, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसमें एक लॉ है WTO के अकॉर्डिंग, आप जो आपका टोटल जो क्रॉप वैल्यू का जो प्रोडक्शन होता है तो उसका जो 10% ही सिर्फ आप डोमेस्टिक सपोर्ट में एज ए सब्सिडी मतलब दे सकते हैं, ठीक है। तो ये पीस क्लॉज जो है अगर आप इस 10% का वायलेशन करते हैं तो पीस क्लॉज आपको एक तरीके से शील्ड प्रोवाइड करता है, मतलब कोई कंट्री आपके खिलाफ डिस्प्यूट जो मैकेनिज्म है डिस्प्यूट सेटल मैकेनिज्म उसमें आपको ड्रैग नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो उसमें आपको मतलब इसमें मैकेनिज्म में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो मतलब आप देखिए एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, जो भी डिस्प्यूट होता है तो वो इस मैकेनिज्म के द्वारा वहाँ पे सॉल्व किया जाता है, ये WTO की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो कोई भी जैसे कंट्री किसी चीज़ का वायलेशन करता है तो अदर कंट्रीज होते हैं, अनदर कंट्री वो क्या करते हैं वो एक तरीके से यहाँ पे एक प्ली आप कह लें, ठीक है ना, एक प्ली फाइल करते हैं कि जैसे मान लीजिए पाकिस्तान को इंडिया से दिक्कत है तो वो ये कह सकता है कि इंडिया जो है वो 10% का वायलेशन कर रहा है, तो डिस्प्यूट मैकेनिज्म जो ये है तो ये इसको डिसाइड करेगा। लेकिन ये पीस क्लास जो है वो ये क्या करता है वो इससे रोकता है, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये एक शील्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक रक्षा करता है इनकी, ताकि अगर हम वायलेशन भी करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीस क्लास आप याद रखें। इसके अलावा स्कीम फॉर वुमेन टू डू, देखिए BPO में वुमेन को एक तरीके से बढ़ावा देने के लिए स्कीम लाई जा रही है, और इसमें कह रहे हैं 35,160 सीटें अलाट की जाएंगी प्रमोशन स्कीम के साथ। इसमें ये कह रहे हैं कि एक अच्छी स्कीम ये है कि ये चाहते ये है कि वुमेन जो है वो कैरी करे BPO का काम वो घर से ही, ठीक है ना। तो BPO वर्क फ्रॉम होम, और ये ग्रुप ऑफ 100 वुमेन कह रहे हैं कि एक छत के नीचे ये आके काम कर सकेगी, राइट। तो एक अच्छा स्टेप ये है वुमेन को बढ़ावा देने के लिए, वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए। और इंपोर्ट की वजह से देखिए हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी इस बार बढ़ गया है, Q2 में जो डेफिसिट है ये 1.2% ऑफ GDP बढ़ गया और ये 7.2 बिलियन हो गया है, राइट। और ये था पहले था ये 3.4 बिलियन, ये पिछले साल, ठीक है ना। तो इंपोर्ट जब भी बढ़ता है इंपोर्ट बढ़ेगा और हमारा एक्सपोर्ट कम होगा, ठीक है ना। तो ये करेंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा, राइट। और इसी का अगर उल्टा हो, एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगा तो ये हमारा वो धीरे धीरे गैप कम होता जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा इंडिया ने अपोज किया है WTO की, ये भी बात हो रही है WTO में, इंडिया ने अपोज किया है कि उसमें एक्चुअली जेंडर से लिंक करने की बात हो रही थी ट्रेड को, राइट। तो 164 कंट्री में कह रहे 3/4 अक्सर कंट्री ने इसका सपोर्ट किया था, ठीक है। बैक्ड डिक्लेरेशन सीकिंग वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बाई एक्सपेडियसली रिमूविंग बैरियर टू देयर पार्टिसिपेशन इन ट्रेड, ठीक है ना। तो ये सारी कंट्रीज चाहती है कि जो बैरियर है जो कि वुमेन का पार्टिसिपेशन हो इसमें उसको ख़त्म किया जाए, राइट। लेकिन इंडिया ने कहा है, इंडिया ने इसका अपोज किया, इंडिया ने कहा है कि ये तो जेंडर को ट्रेड से जोड़ना ही ठीक नहीं है, ठीक है। अगली न्यूज़, हाँ ये स्पोर्ट्स की न्यूज़ हमने डिस्कस कर ली है, एक न्यूज़ और देखेंगे। ये देखिए एक नया आइलैंड जो खोजा गया था, अभी बिल्कुल रिसेंट आइलैंड है और डीवेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का। तो ये कह रहे हैं कि इस पे नासा ये कह रहा है
मार्स पे हम जो सर्च ऑफ लाइफ कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी इससे मदद मिल सकती है, राइट। तो ये पैसिफिक में है, ये जो आइलैंड खोजा गया है, राइट। तो इसमें ये रिसर्च चल रही है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। और इसका हाँ नाम याद रख सकते हैं, हो सकता है पूछा जा सके, तो हुग्गा तुग्गा हुग्गा हापाई इसका नाम है, ठीक है ना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।